अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम आपको लेके चलते हैं कैमरन हाइलैंड, जो कि मलेशिया के एक खूबसूरत पॉइंट है। जैसे जैसे मुख्तलिफ मकाम होते जाएंगे, मैं आपको साथ साथ उसमें तफसीलात बताता जाऊँगा। तो यहाँ से हम आपकी वीडियो शुरू करते हैं, जो कि कैमरन हाइलैंड का सफर। मैं बताते चलूँ कि कैमरन हाइलैंड का जो मोस्ट फेमस चीज़ है वो इनके चाय के बागात और सब्ज़ियाँ हैं, जो इसके मौसम के लिहाज से इसको बहुत सूट करती हैं। तो नेक्स्ट आपको दिखाऊंगा मैं कि इन्होंने कैसे चाय के बागात और सब्ज़ियाँ लगाई हुई हैं। कैमरन आइलैंड के नज़दीक एक खूबसूरत मंजर है हाईवे का, जो इनकी मेहनत का नतीजा है। आप देखिए पहाड़ों के अंदर ये कैसे इन्होंने हाईवे बनाई हुई है। से ये चाय के बागान शुरू हो गए हैं और बहुत सब्जियाँ उगाई जाती हैं, क्योंकि इस इलाके का मौसम बहुत ठंडा होता है और बहुत सी सब्जियाँ वाफत मकदार में उगाई जाती हैं। जी एक फल जो स्ट्रॉबेरी इसका नाम है, वो भी यहाँ बहुत वाफत मकदार में उगाई जाती है, जो शुरू में बताना भूल गया। अब हम पहुंच गए ये चाय के बागात हैं, जहां से हम ये छोटी बसों के ज़रिए अपना सफ़र शुरू करेंगे हवा के अंदर जाने के लिए। लोग पैदल भी जाते हैं, लेकिन पैदल जाने में काफ़ी थकन हो जाती है, इसलिए हमने ये छोटी बसें इस्तेमाल की हैं, जिसकी ये टिकट है। और हम अब जा रहे हैं हवा के अंदर। ये है जी कैमरन हाइलैंड, हत्ती के बागा जिसको बोलते हैं, ये वो है। जगह शहर के लिए चल
से हमारा वापसी का सफर शुरू था। उन्हीं बसों से बैठ के दिल तक आए थे और पूरा दिन गुजारने के बाद हम फिर वापस जा रहे हैं। ये खाना चंद से जो कि बैटरी पर चलने वाली वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हो सके तो हमारा चैनल भी सब्सक्राइब करें।